नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नंदन वाजपेयी। आप देख रहे हो टेक फॉर नेट चैनल और आज मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मोटिवेशनल हो जाए। चलिए यहाँ पर आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, आप पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मेरा ये जो चैनल है आप लोग सभी जानते हो या नहीं भी जानते हो तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि पहले मैंने ये चैनल जो है टेक फॉर नेट जो है टेक का चैनल बनाया था और इसमें टेक की ही जानकारियाँ देता रहता हूँ अभी भी। लेकिन मैंने अपना जो मोटिव है वो कुछ चेंज कर रखा है। मैंने ये सोचा है कि टेक में तो जो है भरमार लगी हुई है और फिलहाल मैं वर्क अपना करता रहता हूँ, टेक के वीडियो कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, वेदर उस पर व्यू मेरे को मिले या ना मिले वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो मैंने जो प्राइमरी अपना जो कंटेंट रखा है अब इस वक्त वो ये रखा है कि आप जो आप लोग नए लोग हैं यूट्यूब पे, जो जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की, जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको उनके सॉल्यूशंस नहीं मिलते या जिनको रिप्लाई नहीं मिलता है किसी से, तो मैं उनके लिए ये चैनल मेला जो है सदैव यहाँ पर तत्पर है। और आपको एक चीज़ और बता दूँगा, यहाँ पर कई से ऐसे लोग हैं जो ये अक्सर पूछा करते हैं कि चैनल कैसे बनाएं, और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं पैसा कैसे आएगा चैनल से। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है आपको जो है किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं। आप, मैं सीधा सा बोलता हूँ, आप सबसे पहले चैनल तो एटलीस्ट आप बना ही लेते हो, तो और अगर नहीं बना पाते हो तो मैं उस पर जो है वीडियो मेरा पड़ा हुआ है चैनल पर, आप देख सकते हो जा करके, मैंने बताया है। और अगर आपने चैनल बना लिया है उसके बावजूद अगर आप किसी से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो कि यार भाई कैसे ये ऐड इसमें ऐड आएंगे और कैसे क्या मोनेटाइज होगा और कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा खाते में आता है कि अकाउंट कहाँ आता है, किस पर मतलब किस माध्यम से पैसे मैं अर्न कर सकता हूँ, तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ी सी मैं इस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं आज आपको, आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है जो मैंने अभी तक जाना है वो YouTube पर जो है सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि मतलब समय लगता है, कोई भी काम करो तो समय तो लग जाता है। और दूसरी चीज़ आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए। अगर आप काम पर ध्यान दोगे, आप फिक्स अपना कोई एक जो है टाइमिंग फिक्स कर लीजिए, या नहीं टाइमिंग फिक्स है आपकी, या जो भी वीडियोस आप उसमें अपलोड करते हो तो जैसे भी करते हो, जिस कंटेंट पे आप काम कर रहे हो सिर्फ आप काम करते रहिए। आप ये मत देखिए कि मेरे पास 2 व्यू आए हैं, 9 व्यू आए हैं, 10 व्यू आए हैं, 15 व्यू आए हैं, ऐसे कोई बात नहीं होती है दोस्तों। आप काम करते रहिए, आपका कोई एक वीडियो ऐसा, एक दिन ऐसा आएगा जब कोई एक वीडियो लोगों को, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हर तरीके के सब्जेक्ट के कंटेंट को जो है लोगों तक बताते हैं और समझाते हैं, उसके सॉल्यूशन दिया करते हैं। तो हो सकता है आपका कंटेंट जो है वो अभी लोगों ने ऑलरेडी कुछ चैनल्स को देख रखा है, आप जिस पर काम कर रहे हो वो ऑलरेडी कुछ लोग देख रखे हैं, इस वजह से आपके पास व्यू कम आ रहे होंगे। लेकिन मैं इस बात को श्योरिटी देता हूँ आपसे कि आप अपना अगर काम करते रहोगे और अपने कंटेंट पर विशेष ध्यान देते ऐसे ही रहोगे और बराबर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते रहोगे बिना किसी से सवाल किए और बिना किसी तरह का पुटअप किए क्वेश्चन, तो आपको ज़रूर एक ना एक दिन जो है आपका कोई ना कोई एक वीडियो जो है वायरल ज़रूर होगा। और इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये होता ही होता है। कोई भी बड़ा यूट्यूबर जो होता है वो ऐसे यूट्यूबर नहीं बनता है, शुरू में वो भी ज़ीरो होता है और एक ना एक दिन जो है उसका कोई ना कोई वीडियो जो है वायरल ज़रूर होता है। एक वीडियो वायरल होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि YouTube की नज़र में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, और वीडियो वायरल होने से, लाइक होने से और शेयर ज़्यादा होने से सबका मुद्दा अलग अलग होता है। लोग ये सोचते हैं अगर मेरे पास लाइक ज़्यादा होंगे तो मैं भाई वायरल हो जाऊँगा, या ऐसा कुछ सोचते हैं कि मतलब मैं पॉपुलर हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए लाइक का मुद्दा सबसे, वो हमारी नज़र में जो मैंने जहाँ तक महसूस किया है कि वो बात की बात होती है, ठीक है ना। यहाँ लोगों को मैंने देखा है 2000 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही, 5000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही जो है वो आपसे जो है क्लेम करने लगते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आज का टारगेट आपको देने लगते हैं कि आज का टारगेट ये है, 200 लाइक का है, 300 लाइक का है, 500 लाइक का, नो मैटर। आप किसी को जो है टारगेट मत दीजिए, आप सिर्फ अपना काम करते रहिए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपने कहीं ना कहीं वीडियो के बीच में इस चीज़ को बोल सकते हो कि भाई अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, तो ये अलग मैटर, ये तो आपको बोलना ही है और बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए 100 लोग अगर आपका चैनल देखते हैं और आपके वो इस चीज़ को बोलते हो आप अगर, तो वो 100 में से 10 लोग तो कम से कम आपकी सुन ही लेते हैं और सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को, और बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंटेंट देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ गिनती के चैनल को, जो है एक गिनती के जो सेलेक्टिव चैनल्स होते हैं उनकी नज़र में
उनको ही देखना पसंद करते हैं। हालांकि वो कई सारे चैनल और भी जो है होते हैं, अगर उनसे जुड़ी हुई जानकारी, उनके पर्पस की जानकारी अगर आपके चैनल में मिलती तो देख जरूर लेते हैं। तो ये मत सोचिए, आप काम करते रहिए, काम करते रहोगे आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि गूगल एडसेंस वगैरह जो आप सवाल किया करते हो कि भाई गूगल एडसेंस मेरा जो है डिसेबल होगा या एनेबल होगा या मोनेटाइजेशन ऑन होगा या नहीं होगा, ये आपने अभी क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है, ठीक है ना। और आप इस तरीके के सवाल वहाँ पर पुटअप करते हो लोगों से, यूट्यूबर से, किसी के चैनल को देखने के बाद उससे अगर आप ये पूछोगे और आपके पास इधर सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं है, इवन आप 1000 सब्सक्राइबर भी आपके पूरे नहीं है, वॉच टाइम भी पूरा 4000 का आपका पूरा नहीं है, उसके बावजूद भी आप जो है उससे पूछ रहे हो कि मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल होगा या नहीं होगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, एक ना एक दिन ज़रूर होगा। आप काम करते रहिए, आप क्राइटेरिया पूरा करिए, उसके बाद भी वीडियो आप डालते रहिए, और उसके बाद ये सब सवाल उसके बाद आप करिए तो ज़्यादा अच्छा है, और आपको शायद मेरे हिसाब से जवाब भी मिलने लगेंगे। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दूँ, अक्सर आप लोग क्या करते हो, किसी बहुत बड़े यूट्यूब चैनल को देखते हो और वहाँ पर सवाल करते हो, तो वहाँ पर हर किसी को तो जवाब नहीं मिल पाता है, और जो भी क्रिएटर होता है वो लाजमी नहीं समझता हर किसी का जवाब देना। तो मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप उस बंदे को सवाल करिए जिस बंदे का ये क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वाला पूरा भी हो चुका हो और उसका मोनेटाइजेशन इनेबल्ड भी हो चुका हो और अप्रॉक्स उसके 5 या 10 हज़ार करीब सब्सक्राइबर हो। तो अगर आप उससे पूछोगे तो डेफिनेटली आपको जवाब देगा, ये मैंने अभी तक जो है ये एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। वो इसलिए भी करेगा क्योंकि उसको भी भूख अभी है, उसको भी सब्सक्राइबर अपने बढ़ाने हैं, उसको भी व्यू बढ़ाने हैं अपने, तो वो आप लोगों का साथ जरूर देगा। और उसकी नज़र में अभी उसके चैनल पर क्राउड कम है, तो वो ज़्यादा, देखिए होता क्या है, जब चैनल किसी भी चैनल पर 1000 लोग होते हैं तो जाहिर सी बात है वो चैनल जो है अगर उसके चैनल पर 200 कमेंट आती हैं तो उन 200 कमेंट में वो एटलीस्ट 50 कमेंट का या 100 कमेंट का जवाब वो ज़रूर देता है, ज़रूर देता है। लेकिन आप ही सोचो, अगर आप अगर किसी चैनल का जो है क्राउड इतना है, 2 लाख सब्सक्राइबर है या 1 लाख सब्सक्राइबर है, 50,000 सब्सक्राइबर है, और वहाँ पर आकर अगर कोई उनसे पूछ रहा है तो भाई सीधी सी बात है, जेन्युइन ऑब्वियस सी बात है कि वो कैसे जवाब दे पाएगा। और 1 लाख सब्सक्राइबर अगर उससे उसके पास कमेंट अगर आ रही है, ठीक है, मान लीजिए किसी के चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर है और कमेंट ही उसके पास आती है 10,000, तो आप ही समझ सकते हो पूरे 10,000 को वो जो है नहीं कर पाएगा जो है रिप्लाई। तो इस वजह से आजकल लोग क्या करते हैं, संडे कमेंट करने लगते हैं और मतलब कोई एक दिन बना लेते हैं, उसमें भी जो है पूरी तरीके जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी ये जानकारियाँ आपके काम आएंगी, और आप से बस यही कहना चाहूँगा, देखिए मैं भी एक नया यूट्यूबर हूँ लेकिन मैंने अपना मोटिव चेंज कर लिया है और अपना जो है कुछ अपना माइंड चेंज कर लिया है। टेक के तो मैं वीडियो कुछ ना कुछ बनाते ही रहता हूँ लेकिन मेरा आप देखते देखोगे कि मेरे मैं कई आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिनके जवाब मैं देता रहता हूँ अक्सर कॉमेंट में, पर आप लोग शायद ध्यान नहीं देते होंगे। टेक फॉर नेट चैनल के नाम से मैं अक्सर हर किसी के जो नया यूट्यूबर होता है उसके सवालों के जवाब देता रहता हूँ। तो अच्छा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं और भी इस तरीके की जानकारी आप लोगों तक शेयर कर पाऊँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।